भाजपा के पूर्व पार्षद ने ऑटो का लाइसेंस लिया है, जो अब कांग्रेस के पूर्व पार्षद अमन सेठी को बिल्कुल भी भा नहीं रहा है और उनका आरोप है कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, क्योंकि जो परमिट बेरोजगारों को मिलने थे अब वो नेताओं को मिल रहे हैं, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में करीब 1000 लोगों ने ऑटो परमिट के लिए आवेदन किया था, लेकिन भाजपा नेता अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने चहेतों को परमिट दिलाने में विवश हैं। इससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क पता चलता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वे कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे। भाजपा के पूर्व पार्षद को ऑटो परमिट दिए जाने के मुद्दे पर पूर्व पार्षद अमन सेठी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री से परमिट दिए जाने की जांच करवाने और 72 घंटे में परमिट निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेता अमन सेठी ने कहा कि ऑटो का परमिट दिए जाने पर पिछले 12 वर्षों से रोक लगी थी और ये परमिट बेरोजगार योजना के अधीन दिए जाने थे, लेकिन फिर संबंधित विभाग एक दिन की मीटिंग कर महज 2 व्यक्तियों को परमिट देता है, जो सरासर गलत है। जो भाजपा के पूर्व पार्षद को और उसके रिश्तेदार को जो 2 परमिट दिए गए हैं, वो किस बेसिस पे दिए गए हैं, उसका क्या क्राइटेरिया था? जहाँ तक कि मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप नौजवानों के लिए बहुत ही हितैषी हैं और उनके रोजगार को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, जो कि आपने अपनी सरकार बनने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे आपके प्रधानमंत्री भी वादे करते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो आप इन 72 घंटों में इसकी जांच करवाएं और इसको कैसे इसको परमिट मिला उसको कैंसिल करवा के, हम तो कहते हैं कि और लोगों के लिए खोल देना, रोजगार के लिए परमिट खोलने तो सबके लिए खोलो, तो सिर्फ अपने चेतों को ही परमिट क्यों दिया गया? तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की या तो बू है, या कहीं ना कहीं आरएसएस या किसी के दबाव में आके अधिकारियों ने ये आनन फानन में जो ये परमिट दिए हैं।